ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 28वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। श्लोक जो है वो श्यामपट पे लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख करके दोहरा सकते हैं। पहले मैं दोहराऊंगा, उसके बाद आप लोग इत्यं सैश्वसं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्धवि अप्सितो अज्ञाना इदा मन्यु सुचार्पिता इत्वे सैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्ध अप्सितो अज्ञाना इदा मन्यु सुचर्पिता इत्वं सैश्वं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्ध अप्सितो अज्ञाना इदा मन्यु सुचर्पिता। प्रभु जी इसमें कोई दोहराएगा? पौगण्डमेव च आलब्धाप्सितो अज्ञाना इदा मन्यु सुचर्पिता इत एवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्धाप्सितो अज्ञाना इदा मन्यु सुचर्पिता। माता जी से कोई इदं सैशवं सैशवं मुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्धवाप्सितो ज्ञाना इदा मन्यु सुचर्पिता इत्येवं सैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्धाप्सितो ज्ञाना इदा मन्यु सुचर्पिता इत्येवं सैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च आलब्धाप्सितो ज्ञाना दुःखमन्यु सुचर्पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुमान देवन तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ दोहरा सकते, मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग दोहराइए। इति एवं इस प्रकार से सैश्वम बाल्यकाल को भुक्त्वा बिताकर दुःखम दुख को पौगंडम किशोर अवस्था को एव ही च तथा अलब्ध अप्राप्त अभिप्सित जिसकी इच्छाएं अज्ञानात् अज्ञानवश इद प्रज्वलित मन्यु क्रोध सुच शोक से अर्पित
अभिभूत संतप्त। अनुवाद यह तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की चाय। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। तात्पर्य, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवा अवस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोर अवस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता। वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला भेजा जाता है जहाँ वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल को ही काल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुणावस्था की बात तो जाने दें, बच्चे खेलने के लिए ना जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहस्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांशम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो राम राम राम। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्र पातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय। जय गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत है। और मैं सर्वप्रथम इस्कॉन राधा गिरधारी मंदिर के प्रबंधन का हार्दिक अभिनंदन प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया कि राधा गिरधारी के सानिध्य में बैठकर हरी कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो भी वरिष्ठ भक्तों से सुन रखा है उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा। अगर कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा। और मैं परम पूज्य भक्ति करुणामय बम्बाली स्वामी महाराज का भी और कमलोचन प्रभु का भी अभिनंदन कर आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके ही सानिध्य में उनकी कृपा से कुछ हमने सीखा है और जो सीखा है उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिन लोग थोड़ा सा विलंब से आए हैं तो श्यामपट पे देख सकते हैं कि आज हम श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंद के 31वें अध्याय के 28वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग नियमित रूप से भागवत सत्र में नहीं आते, जो अभी आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोलोक पुनरावलोकन करना अच्छा रहेगा कि इस पड़ाव पर हम कैसे पहुँचे। तो इसके पहले वाला जो अध्याय था, इस श्लोक की आधारशिला वहीं पे है। तो इसके पहले वाले अध्याय में 34 श्लोकों में माता देहूति और कपिल देव जो कि देहूति के पुत्र हैं, उनके बीच में संवाद में ये चर्चा होती है। और इसके पिछले अध्याय में कपिल मुनि जो है, कपिल भगवान जो हैं, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा बताते हैं, ऐसे लोगों के विषय में चर्चा करते हैं जो घोर कर्मी होते हैं, जिनकी सिर्फ और सिर्फ भौतिक आकांक्षाएं और इच्छाएं, उनके विषय में बहुत ही विस्तार से बताते हैं किस तरह से भौतिक इच्छाएं उनकी होती है और उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में वो बहुत अथक परिश्रम करते हैं। तरह तरह के नाना प्रकार के घोटालेबाजी, गबन, चोरी, बहुत सारे गर्हित कार्य करते हैं ये सोच करके कि वो इस जगत में शाश्वत है, परमानेंट है। और उस गलत अवधारणा के कारण अलग अलग चीज़ों को करते रहते हैं। और ये सारे कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने परिवार का भरण पोषण है और परिवार जो है शाश्वत है, वो शाश्वत है और जो कार्य करें वो भी शाश्वत हो।
लेकिन वो भूल जाते हैं कि आसन्न मृत्यु जो है वो हम सभी का इंतजार कर रही है। हम सभी लोग जीवित ही हैं मृत्यु को प्राप्त होने के, और दूसरा कोई कारण नहीं। और हम क्षण हर क्षण जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश जो है गर्हित कार्यों में लगते हैं और कर्मफल बनाते हैं। तो वहाँ पर कपिल देव भगवान बताते हैं कि व्यक्ति नारकीय कर्मों को करने में इतना प्रवृत्त हो जाता है कि मृत्यु के बाद उसे यमराज के दूत उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। कई योजन की दूरी जो है कई क्षण में गुजारनी पड़ती है, और वहाँ पर ना जल प्राप्त होता है ना कुछ भी प्राप्त नहीं होता उस मार्ग में, और अंततः हम यमराज के पास पहुँचते हैं। तो चूंकि हमने बहुत पाप कर्म इकट्ठा कर लिए होते हैं, तो यमराज जो है हमें विशेष व्यवस्था करते हैं, हमें नारकीय शरीरों में भेजते हैं। तो यद्यपि पांचवें स्कंद में हम देखते हैं कि नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन संक्षेप में भगवान जो है नरकों के विषय में थोड़ा बहुत झांकी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं किस तरह से व्यक्ति के शरीर को काट के फेंक दिया जाता है, उसको पहाड़ से ढकेला जाता है, विभिन्न प्रकार के नर्क होते हैं। और इन नर्कों में और कई लोग जो बहुत पापी होते हैं, वो लोगों को तो पशु योनि में भेज देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि पशु योनि में जाने के बाद तुरंत ही आपको प्रमोशन नहीं हो जाता, तुरंत ही आप पदोन्नति नहीं प्राप्त कर लेते। एक बार आप मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद पशु योनि में गए और गर्हित कार्य बहुत गंभीरता से किया है, तो उसे फिर क्रामिक रूप से आगे बढ़ना पड़ता है, फिर जलचर नवचर इत्यादि होते हुए फिर उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो कई ऐसी फिलॉसफीज हैं, दर्शन हैं, जो ये कहते हैं कि एक बार आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो कालांतर तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, लेकिन भागवतम इससे संज्ञान नहीं रखता, इसकी पुष्टि नहीं रखता। एक बार आप पशु शरीर में गए और आपने बहुत गरीब कार्य किए हैं, तो ये पूरे चांस है, इसका पूरा ये होगा कि आप फिर से पशु योनियों में क्रमशः जो है मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। कुछ विशेष परिस्थिति में अगर भक्त ने भक्ति की है, किसी भौतिक इच्छा के कारण उसका पतन हुआ, जैसे हम भरत महाराज के इसमें देखते हैं कि भरत महाराज पूर्ण रूप से विरक्त थे, भगवत प्राप्ति करने के लिए जंगल गए और वहाँ जाकर के वो हिरण से आसक्त हो गए, तो भगवत कृपा से उन्हें स्मरण बना रहा और फिर कालांतर में उसको अगला शरीर जो है मनुष्य का प्राप्त हुआ। और फिर इस अध्याय की आधारशिला जो है पहले श्लोक में, इस जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं इसकी आधारशिला जो है पहले श्लोक में, बहुत ही फेमस श्लोक, कर्मादैव नेत्रेणा। तो वहाँ पर भगवान बताते हैं कि फिर कर्मादैव नेत्रेणा, कर्म के आधार पर व्यक्ति को भगवान के सुपरविजन में, भगवान के निर्देशन में, कर्मों के आधार पर व्यक्ति जो है स्त्री और पुरुष के रज और वीर के सम्मिश्रण से माँ के गर्भ में स्थापित होता है। अब उसके बाद जो है आगे के श्लोकों में, श्लोक संख्या 12 से लेकर के 21 तक जो भ्रूण है वो भगवान की प्रार्थना करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के पास बहुत सारे ऐसे वर्तमान अनुसंधान हैं जिसके द्वारा गर्भ में भी शिशु की स्थिति को देखा जा सकता है, लेकिन हमारे शास्त्र जो हैं ये बहुत पुरातन है, और इन सारे विज्ञान जो विज्ञान क्या कर रहा है, चीज़ों को खोज रहा है, जिन चीज़ों को विज्ञान अनुसंधान करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अगर वो शास्त्र चक्षु से चीज़ों को देखे तो उसे इतना अनुसंधान करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमें आसानी से सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब जीव जो है माँ के गर्भ में अपने कर्मफलों के कारण स्थापित होता है, तो पहले दिन वो रज और वीर्य का सम्मिश्रण होता है, पांचवें दिन वो रज और वीर्य जो है एक बुलबुले के समान हो जाता है, उसके उपरांत दसवें दिन वो एक बेर का रूप धारण कर लेता है, बेर के बराबर उसकी साइज हो जाती है। एक महीना जब होता है भ्रूण गर्भ में, तो सब सर्वप्रथम उसका मस्तक प्रकट होता है, सर प्रकट होता है, मतलब सबसे पहले सर। तो सर बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है, जिसका ये आउट हो गया वो आउट हो जाता है, तो ये सर सबसे पहले सर प्रकट होता है, उसके बाद फिर उसके अंग प्रकट होते हैं, फिर अंगों में तीसरे महीने में नाखून प्रकट होता है, फिर बाल प्रकट होते हैं तीसरे महीने, चौथे महीने में रक्त मांस मज्जा प्रकट होता है, जो बोन मैरो वगैरह होता है, पांचवें महीने में जीव को भ्रूण को भूख लगने लगती है, पेट में भूख लगने लगती है, छठे महीने में भूख लगने के बाद हाँ उसको सेंसेशन वो हिलने लगता है, हिलने डुलने लगता है, और सातवें महीने में
आकर के वो प्रकृति जो है उसको माँ के गर्भ से नीचे ढकेलने की शुरू करती है। क्या हिलने डुलने लगा है तो भागवतम में लिखा है कि राइट साइड में पहले बच्चा हिलता है दाहिने तरफ, और फिर सातवें महीने में भ्रूण जो है वो नीचे की तरफ उसको जो प्रकृति वायु वो ढकेलती है। और फिर जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकलने वाला होता है तो कई आचार्य कहते हैं कि संभवतः सारे जीव जो है प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कुछ विशेष जीव प्रार्थना करते हैं। जो भी हो, चाहे विशेष जीव हो या सामान्य जीव, कोई भी हो लेकिन प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करता है जीव? जीव ये कहता है कि हे भगवान, मैं इस अपने कर्मफलों के कारण आपसे बिछड़ गया, आपसे पृथक होकर के मैं यहाँ पर इस माँ के गर्भ में भौतिक प्रकृति में आ गया, और अब जो है ये बहुत ही गर्भित परिस्थिति है। भागवतम में वर्णन आता है कि जब जैसे कीट और जैसे कीड़े मकोड़े गंदगी में कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसी तरह से माँ के गर्भ में भ्रूण भी उसी कीड़े की तरह रहता है। और फिर कहता है कि मुझे अब इस अब मैं माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं जाना चाहता। क्यों माँ के गर्भ से बाहर नहीं जाना चाहता? मैं पैदा ही नहीं होना चाहता। क्यों नहीं पैदा होना चाहता? क्योंकि मैं जाऊँगा बाहर तो क्या होगा, मैं माया में फंस जाऊँगा, फिर से मैं उसी कर्म बंधनों को बनाऊँगा जिसके कारण से मैं ये शरीर प्राप्त किया है मैंने। और फिर अब हम यहाँ पे आते हैं कि जो भ्रूण है वो माँ के गर्भ से आ गया है। तो इसके पहले कुछ श्लोकों में बहुत ही सुंदर विवरण होता है कि कैसे जब वो माँ के गर्भ से आता है तो बच्चा रोता है और जगत के सारे लोग हंसते हैं, और प्रायः रोता भी है, क्या बोलता है, कहाँ कहाँ करता है, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और धीरे धीरे जो है भौतिक आकर्षण माया उसको घेरती रहती है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ। तो क्या है कष्ट? तो कई लोग बोलते हैं कि जो शिशु अवस्था होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत आनंददायक है शिशु की अवस्था, लेकिन शिशु की अवस्था बहुत ही कष्टप्रद अवस्था होती है। तो आप लोग ये कह रहे हैं, तो इसके पहले कुछ लोगों ने बताया कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो शिशु होता है जब वो छोटा होता है तो उसको वो बोल नहीं पाता, वो एक ही चीज़ करता है, रोता है। तो प्रायः जब वो रोता है तो सबको लगता है क्या, भूख लगा है, माँ को लगता है भूख लगा है, और माँ क्या करती है उसको दूध पकड़ा देती है। वो जीभ से निकालता है कि यार भूख नहीं लगी है मेरे को, तो चींटी काट रही है या खटमल काट रहा है या कुछ काट रहा है, वो बोल नहीं पाता, रोता रहता है और माँ उसको दूध पिलाती रहती है, दूध पिलाती रहती है। आप सोचिए कि आपको दर्द हो रहा है, कोई आपको बोले ये लो पानी पियो, दवाई ना दे, तो इस तरह की अवस्था होती है कि बोल नहीं पाता, कराहता है, कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोग क्या करते हैं जब बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, जिनके जो बच्चे होंगे वो सब जानते होंगे कि जब बच्चा बहुत रोने लगता है तो हम लोग बोलते हैं गैस हो गया इसको, और फिर इसको योगा कराने लगते हैं, उसको ऐसा पेट दबाने लगेंगे, गैस निकालेंगे, पीटेंगे, और उसको दिक्कत क्या है, कुछ काट लिया है, उसको खुजली हो रही है, खुजलाना है, लेकिन हम खुजलाने के बगैर उसको पीट रहे, योगा करा रहे। तो इस तरह से हमें मिथ्या रूप से लगता है कि शिशु अवस्था जो है बहुत ही वो है, और उसके बाद कौमार इत्यादि आता है। और यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार विविध प्रकार से कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था में पहुँचता है। तो शास्त्र में बताते हैं कि शून्य से पाँच वर्षों तक शिशु अवस्था होती है, 5 से 10 पौगंड, और 11 से 15 जो है वो किशोर अवस्था, और 16 के बाद यौवन। तो इस तरह से विघटन किया गया है। और भगवान जो किशोर अवस्था के आगे नहीं जाएंगे, उनकी कांति जो है वो किशोर अवस्था के आगे नहीं जाएंगे। तो अगर देखें तो हमें थोड़ा सा पीछे जा करके देखते हैं कि क्यों ये जो कष्ट है, कष्ट का मूलभूत कारण क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था में अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है, किंतु उसके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है, इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखी होता है। तो इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो अज्ञान है, और ये अज्ञान का मूलभूत कारण क्या है, तो इसकी जो आधारशिला है वो पहले श्लोक में कर्मादेव नेत्रिणा। तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो वास्तविकता में हम सभी लोग कार्य करते हैं किसके अंतर्गत रह करके, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रह करके, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। जो 84 लाख योनियां जो बनती हैं वो इन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से, उनके मेल जोल से 84 लाख योनियां बनती हैं। तो 84 लाख योनियां जो हैं वो 4 प्रकार की। तो जो भी
प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर के कार्य करता है, तो मूलभूत रूप से चार प्रकार के शरीर, चार प्रकार के जो है जीव उत्पन्न होते हैं। तो अंडज, स्वेदज, पिंडज और उद्विज। तो अंडज, स्वेदज, पिंडज और उद्विज। तो कुछ जो शरीर होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो 84 लाख योनियों में कुछ शरीर जो होते हैं अंडे के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे मुर्गा। और क्या अंडे में प्रकट होते हैं? पक्षी, हाँ, कौवा, हाँ, छिपकली, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं, सांप। फिर कुछ होते हैं पिंड। जय श्री राधा, गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौरताय भगवान की जय। तो अंडज, तो आप लोग वेजिटेरियन है लेकिन फिर भी आप लोग को पता है तो अच्छी बात है। तो दूसरा है पिंडज। तो पिंडज ये होता है, ये पिंड के रूप में उत्पन्न होता है। पिंड जैसे हम मनुष्य जो है वो पिंडज है, जैसे कि हमने देखा कि बुलबुला बनता है और 10वें दिन वो बेर का रूप धारण करता है, रक्तमास मज्जा आदि उत्पन्न होता है। तो पिंडज, तो हम सारे लोग पिंडज है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सब पिंडज है। तीसरा है स्वेदज, यानी तीसरे प्रकार का जीव जो है वो स्वेद से उत्पन्न होता है, यानी पसीने से, जैसे जुआ, खटमल, चीलर, ये सब जो है वो स्वेद, ह्यूमिडिटी होती है तो स्वेद से उत्पन्न होता है। और चौथा है उद्विज। उद्विज यानी जो धरती से प्रकट होता है, जो धरती को चीर करके उत्पन्न होता है, उद्विज यानी पेड़ वगैरह। तो हम सारे लोग जो हैं अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं इन 84 लाख यूनियों में इसी चार तरीके से। इसके अलावा शास्त्र बताते हैं और कोई पांचवा तरीका नहीं। तो ये शरीर जो है यही हमारे अज्ञान का मूलभूत कारण है। तो हमारा जो दुख है वो इस शरीर के धारण करने से। तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, जैसे हमने प्रकृति के तीनों गुणों की बातें की, तो भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि दुख जो है वो कौन से गुण में है। दुख की उत्पत्ति जो है वो रजोगुण में, दुख जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और सुख जो है वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञान में रहता है और ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सुख और दुख जो है प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होता है, और तीनों गुणों के कारण क्या है, देहात्म बोध। जैसे भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ना कि मत् स्पर्शस्तु पूर्णतेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पियायन वा नित्य स्तम प्रतिक्षवा भारत। तो ये सुख और दुख जो है वो किस कारण से है, ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है, और सुख और दुख की अनुभूति कैसे होती है, इस इंद्रिय बोध के कारण होती है, यानी शरीर बोध के कारण होती है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जल का। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब ये जल, जैसे अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में हम बहुत स्नान करते, घंटों घंटों स्नान करते, यही जल जो है हमें आनंद देता है। लेकिन जब शीत का समय आता है तो यही पानी हमें काटने को दौड़ता है। तो देहात्म बोध ही जो है मूलभूत कारण है, और देहात्म बोध से ही व्यक्ति के दुख की प्रारंभ होती है। जैसे भगवद्गीता की जो मूलभूत आधारशिला ही है वो देहात्म बोध है। अर्जुन युद्ध करने से क्यों मना कर रहा है? अर्जुन युद्ध करने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि देहात्म बोध से ग्रस्त है। सारा कुछ तैयार है उसकी, उसका उसका धन ले लिया गया, उसकी पत्नी को बेइज्जत किया गया, मारने का प्रयास किया गया, सब कुछ कर दिया। सारे शास्त्र ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इनको मारने में कोई हानि नहीं है, लेकिन फिर भी देहात्म बोध के कारण अर्जुन दुविधा की स्थिति में, और दुविधापूर्ण स्थिति में होने के बाद क्या करता है, वो भगवान की शरणागत होता है। तो दुविधा जो है देहात्म बोध के कारण, और जब तक ये देहात्म बोध नहीं जाएगा, यहाँ पर जो दुख है ये दुख जाएगा नहीं। तो देहात्म बोध से निकलना अज्ञान से निकलने की पहली सीढ़ी है। जब तक हम उस अज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम देहात्म बोध के स्तर पे रहेंगे। तो अज्ञान से बाहर निकलने का क्या लक्षण है, अज्ञान से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं जब हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति को शरणागत होंगे, जब किसी प्रामाणिक व्यक्ति से जिज्ञासा करेंगे। तो भागवतम में, जैसे चैतन्य चरितमृत में बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है, जब सनातन गोस्वामी जो हैं बनारस में चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं,
तो वैसे सनातन गोस्वामी जो है नवाब की सरकार में क्या है, नवाब की सरकार में प्रधानमंत्री हैं। चैतन्य चैतन्य समय समझ में आता है कि सनातन गोस्वामी जो है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, फारसी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, बंगाली जानते हैं, और उन्हें लोग पंडित भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में मुझे पंडित कहा जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं दुख क्यों झेल रहा हूँ, मैं ये कष्ट नहीं चाहता, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है और इस कष्ट से बाहर आने का क्या कारण है। तो सब सर्वप्रथम वो कहते हैं अमी के, मैं कौन हूँ, और यही मैं कौन हूँ, यही जिज्ञासा जो है व्यक्ति को इस अज्ञान से बाहर निकाले। और जब तक ये मैं कौन हूँ की जिज्ञासा नहीं आती, तब तक व्यक्ति जो है पशुतुल्य जीवन जीता रहता है। तो कर्मी और भक्त में क्या अंतर है, कर्मी और भक्त में एक ही अंतर है कि भक्त जो है जानता है मैं कौन हूँ। जैसे पिछले अध्याय में, जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की, पिछले अध्याय में अज्ञान का, हमारे दुख का मूलभूत कारण ही क्या है, मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। हम इस्कॉन के भक्त जो है ज़्यादा लाभवान्वित होते हैं कि हमें पहले प्रथम दिन से पता चल जाता है कि मैं कौन। तो जैसे, और जब तक ये नहीं जाता तब तक ज्ञान भी उपजता नहीं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण आता है रामानुजाचार्य का। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे त्रिगोष्ठीयूर, ऐसा कुछ तो नाम था, मुझे नाम नहीं स्मरण हो रहा है, किसी को स्मरण हो तो बता सकता है। तो रामानुजाचार्य अपने गुरु से दीक्षा लेने जाते हैं, और वो श्रीरंगम से चल के, उनके गुरु जी कहीं दूर स्थान में रहते हैं, और उस समय कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती थी कि कार है, गुरु जी से मिल गए, हवाई जहाज से पहुँच गए, पैदल ही जाना पड़ता था। तो रामानुजाचार्य जो श्रीरंगम से चल करके अपने गुरु जी से मिलने जाते हैं, तो जब उनके घर पर पहुँचते हैं तो पहले ऐसे इंस्टीट्यूशनल, जैसे हम जो संघ में गुरु होते ऐसे नहीं होते थे, सबकी अपनी अपनी जो गुरु जो सामान्य रूप से रहते थे, उनकी सामान्य जीवन जीते थे, उनके शिष्य इत्यादि होते थे, उनके घर पे निवास करते थे इस तरह से। तो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उनका गुरुजी का दरवाज़ा बंद होता है, अपने नॉक करते हैं, टक टक, अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? तो रामानुजाचार्य कहते हैं मैं रामानुज। तो कहते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है मैं मर जाऊँगा तब आना। तो वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिन होता है, फिर वापस आते हैं, फिर ठक ठक, फिर पूछते कौन है? बोले मैं रामानुज, तो मैं मर जाऊंगा तो वापस आ, तो चले जाते हैं। फिर इस तरह से वो बहुत खिन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और इस तरह से 17 बार जाते हैं ठक ठक, मैं कौन? रामानुज, मैं मर जाऊंगा तो वापस आना। तो उनकी खिन्नता समझ में नहीं आती कि गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर वो साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, और फिर जब 17वीं बार पहुँचते हैं तो ठक ठक, तो कहते हैं कि कौन? कहते हैं मैं रामानुज दासन, मैं रामानुज दास आया हूँ। तो कहते हैं ठीक है, अंदर आ जाओ। और फिर उनको मंत्र दीक्षा दी। तो जब तक ये मैं की भावना, मैं मर जाऊँगा तब ना, तो जब तक ये मैं नहीं मरेगा ना, तब तक वह ज्ञान से बाहर नहीं आ पाए। और ये मैं मरना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और ये ज्ञान मैं कब मरेगा? जब हम प्रामाणिक गुरु के शरण में। और जब तक कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन से खिन्न ना हो जाए। क्या ना हो जाए? खिन्न ना हो जाए। तो हमारी भक्ति में तब तक गंभीरता नहीं आएगी जब तक हम इस भौतिक जीवन से खिन्न ना हो जाए। तो हम ऐसे कौन कौन है जो अपने इस भौतिक जीवन से खिन्न है? उठा रहे हैं, लेकिन मजा तो इसमें ही आता है। तो हम कह रहे हैं खिन्न है, लेकिन हम खिन्न हो सकते हैं, हो भी, मतलब आप लोग महान भक्त हो सकते हैं खिन्न हो, लेकिन हम खिन्न होते हैं कुछ ही देर के लिए। हमारा जो वैराग्य रहता है वो कुछ देर के लिए रहता है। जब मान लीजिए पत्नी से झगड़ा हो गया, तो पति से झगड़ा हो गया तो हम सोचते अरे यार ये परिवार ही झंझट है, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार चलते हम लोग छोड़ छाड़ के, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं बात नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर थोड़ा सा हमें रस मिल जाता है और फिर हमें जीवन में आनंद मिलने लगता है। तो इस जगत में सुख कितना है पता है आपको? सुख बहुत थोड़ा सा है, और उस थोड़े सुख के सहारे हम लोग पूरे दुख का पहाड़ ढोते रहते हैं, थोड़े सुख के सहारे। और ये सुख की अनुभूति कैसे होती है? वो भी देहात में बहुत सी होती है अनुभूति। तो भगवान कहते हैं ना कि ना तेषु रमते बुधा, वो जो श्लोक है उसमें कहते नहीं है कि वो ना तीसु रमते बुधा, मतलब कि इंद्रियों से ये जो सुख है वो इंद्रिय बोध से जनित होता है। और इस बुद्ध मांसपर्श नहीं, ये नहीं है।
मुझे वो इसमें है कि मैं ठीक है, मैं उसको अनुवाद बता देता। अनुवाद ये है कि जो ये सुख है हमें इंद्रिय बोध के कारण, इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है इंद्रिय बोध के कारण, ये ही संसर्गया भोगा दुख है ना एवते आदि अंत्य न कौनते न तेषु रमते बुधा। तो जो इंद्रियों से जो सुख है वो क्या है, उसका आदि और अंत है, और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इस इंद्रियों से जनित सुख है उसमें रमता ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसे पता है इसका आदि और अंत है। और अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो हमें सुख प्राप्त करने के लिए सिर्फ 5 तरीके हैं, जो हमारे जीवन में जो सुख की अनुभूति है वो सिर्फ 5 तरीकों से। आप लोग पूछेंगे कैसे 5 तरीके, इतने सारे चीज़ें तो हैं नहीं, सिर्फ 5 तरीकों से, और 5 तरीके हमारी इंद्रियां। इसके अलावा कुछ स्वरूप को देख लिया, कुछ देर आनंद ले लिया, लेकिन भगवान कहते हैं कि आदि और अंत है, तो एक स्वरूप को हम कितना देर देखेंगे, कुछ दिन देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद फिर हमें चेंज चाहिए होता है। फिर एक ही सॉन्ग, एक ही जो गीत है या बहुत मधुर आवाज़ है वो कितना दिन सुनेंगे हम, उसकी भी कुछ सीमा है। एक ही भोजन हम कितने बार तक खाएंगे, रोज दाल भात, हमको अचार भी चाहिए ना, तो नहीं खा पाएंगे। तो हमें ये इंद्रियां जो है वो सीमित सुख देती है। और दुख के कितने, दुख प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, हजारों लाखों अनंत तरीके दुख प्राप्त करने के। जैसे दांत है, दांत अपने आप भी टूट सकता है, कोई मुक्का मार के तोड़ सकता है, कोई हथौड़ा मार के तोड़ सकता है, हाँ ये सब दुख का ही तरीका है ना, डॉक्टर इंजेक्शन मार के तोड़ देता है, बहुत सारे तरीके दुख प्राप्त करने के, सुख प्राप्त करने के 5 ही तरीके। और जो बुद्धिमान नहीं होता, जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, वो इन्हीं इंद्रिय बोध, इन्हीं इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की आवश्यकता होता है, जैसा इस अनुवाद, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो व्यक्ति को इस देहात्म बोध से ऊपर उठना पड़ेगा, और देहात्म बोध से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी पड़ेगी, गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु के पास, गुरु क्या करेगा, प्रामाणिक गुरु क्या करेगा, हमें ये मार्ग दिखाए, हमें भगवत, भगवान के शरण में जाने का मार्ग दिखाए। और जब तक हम भगवान के पास नहीं जाते हैं तब तक हमारे दुख का निराकरण ही नहीं। तो प्रामाणिक गुरु का लक्षण क्या होता है, प्रामाणिक गुरु का लक्षण होता है कि वो खुद भी भगवान की सेवा करता है और अपने मताहत जो लोग हैं उनको भी भगवान की सेवा में लेकर के जाता है, वो खुद भी भगवान को शरणागत होता है और भगवान के भक्तों को भी शरणागत होने की व्यवस्था करता है। तो देखिए शरणागत जैसे भगवान, लेकिन शरणागत जब होते हैं भगवान को तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरण भज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचर, सो सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और सारे पापों को हर लूंगा और मुक्त भी कर दूंगा, डरो मत। लेकिन इस शरणागति में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे दुख का निराकरण करेगा वो है निर्मलता का भाव। रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे निर्मल, निर्मल मन जो है मुझे भाता है, छल छिद्र कपट मुझे नहीं भाता। तो भगवान को प्राप्त, आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति में जो सबसे बड़ा बाधक है वो छल छिद्र कपट और ईर्ष्या। जैसे हम सभी लोग शूर्पणखा के प्रसंग में जानते हैं, शूर्पणखा के बारे में जानते हैं ना, रामायण में वर्णन आता है शूर्पणखा का। तो दो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे किस तरह से निर्मल भाव जो है हमें आनंद दे सकता है और कपट मन जो है हमें दुख का कारण बन सकता है। तो शूर्पणखा कौन है, रावण की बहन है। तो पंचवटी में जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे तो पंचवटी में शूर्पणखा ने किसको देखा, भगवान रामचंद्र जी को देखा। तो जैसे हमने शुरुआत में ही चर्चा की तो भगवान की कांति जो है वो हमारे से ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो भगवान ब्रह्म संहिता में कहते हैं कंदर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो है सैकड़ों हजारों कंदर्वों की उनकी कांति, उनका मुखमंडल, उनकी आभा जो है काम, हजारों करोड़ों कामदेवों को भी मात देती है, कामदेव भी भगवान से आकर्षित होते हैं। तो जब भगवान को शूर्पणखा देखती है तो बहुत आकर्षित हो जाती है और उनके चरण चिन्हों, उनके पद चिन्हों का वो कर देखते देखते वो भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंचती है। तो आचार्य ने बताते हैं एक्चुअली शूर्पणखा जो है सबसे सही स्त्री है। वो कहती है, भगवान को कहती है कि मोसम स्त्री तोषम पुरुष, मेरे जैसी स्त्री हो तुम्हारे जैसा पुरुष जगत में कोई नहीं है। और वो बिल्कुल सही कहती है शूर्पणखा, जब भगवान से मिलती है रामचंद्र जी को मिलकर के ही बोलती है। तो क्यों, आचार्य ने बताते क्यों ऐसे सबसे सही है, क्योंकि
सबसे कठिन है जीव का भगवान के पास जाना, सबसे कठिन है जीव का भगवान का पीछा करना। हम सारे लोग जो हैं किसी ना किसी तरह से जीव हैं और भगवान का पीछा कर रहे हैं। बाहर के लोग हैं भगवान का पीछा नहीं कर रहे, वो माया का पीछा कर रहे हैं। जैसे रावण ने क्या किया, रावण ने लक्ष्मी जी का पीछा किया। तो शूर्पणखा यद्यपि असुर थी लेकिन फिर भी उसने क्या किया, भगवान का पीछा किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, भगवान का पीछा किया, भगवान के प्रति आकर्षित हो गई, भगवान से विवाह भी करना चाहती थी। उसने क्या कहा, हे रामचंद्र जी मैं बहुत सुंदर हूँ और तुम भी अकेले हो, वन में है, हम लोग विवाह कर लेते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो गई, दिक्कत यहाँ पे हो गई कि शूर्पणखा जो थी वास्तविकता में कुरूप स्त्री थी। कैसी स्त्री थी, कुरूप स्त्री थी। रामायण में वर्णन आता है उसके बाल जो थे तांबे के कलर के थे, कौन से कलर के, तांबे के कलर। उसका जो पेट था वो तोंद था एकदम, और वो रूप बदल करके आई थी भगवान के। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे निर्मल मन अच्छा लगता है, छल कपट अच्छा नहीं लगता। तो अगर वो उसी स्वरूप में आई होती, अगर वो कुरूप थी, कुरूपी स्वरूप में आ जाती भगवान के समक्ष और कहती मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो हो सकता है भगवान उसे विवाह कर लेते। क्यों, निर्मल मन से आई थी। आचार्यगण बताते हैं, जैसे हम देखते हैं कुब्जा, जब भगवान मथुरा में जब प्रवास कर रहे थे तो कुब्जा आई थी, और कुब्जा के पास क्या था, चंदन, चंदन ही था ना, चंदन था। और कुब्जा जब आती है तो भगवान को देखती है तो कुबड़ रहती है उसको, लेकिन भगवान को क्या करती है, वो निर्मल मन से वो चंदन का लेप करती है। क्या करती है, निर्मल मन से कुरूप स्त्री चंदन का लेप करती है, और उसके भगवान को देख करके वो आकर्षित भी हो जाती है। उसके मन में भी वही भाव आता है जो शूर्पणखा के मन में भाव आता है। लेकिन शूर्पणखा और कुब्जा में अंतर क्या है, शूर्पणखा और कुब्जा में अंतर है मन। तो निर्मल रूप से भगवान को जब वो कहते हैं, भगवान तो हृदय में सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञानम कोपनम च वेदे से सर्वे रामेर वेदियो वेदांकृत विदेव चा। तो मैं तो सबके हृदय में बैठा हूँ, सबकी आकांक्षाओं इच्छाएं को जानता हूँ। तो भगवान उसकी आकांक्षा को जान लिए, और जब उसने भगवान को चंदन चंदन दिया, भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, बस उसके टुड्डी को ऐसा पकड़ा और बस, कि उसका सारा कुबड़ चला गया, सुंदर स्त्री हो गई। और भगवान उसके पास, उसके घर पे भी जाते हैं उसकी इच्छा को पूरा करने के। तो यहाँ पर निर्मल मन, यहाँ पर शूर्पणखा का कुंठित मन, छल छिद्र से लिपटा हुआ मन, तो यहाँ पर आनंद की अनुभूति, और यहाँ पर जब उसने छल छिद्र किया तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको लक्ष्मण को सुपुर्द किया। लक्ष्मण जी को ने गुरु तत्व, और उन्हें क्या किया, उसके नाक और कान को काट दिया। यानी जब आप कुंठित मन, निर्मल मन नहीं होगा, जब आपकी भौतिक आसक्ति होगी, अगर आप कुछ भौतिक इच्छा के साथ में आएंगे तो आपका नाक और कान कट जाएगा। इसी तरह से हनुमान जी, अगर हम देखते हैं प्रसंग, तो जब हनुमान जी, जब सुग्रीव जब देखते हैं कि दो कुमार क्षत्रिय कुमार जो हैं वो तीर और धनुष लेकर के आ रहे हैं, तो उन्हें कहा जाओ देखो कहीं ये बलि बाली के तो वो लोग नहीं है, गुप्तचर नहीं है। और हनुमान जी क्या बन के जाते, ब्राह्मण बन के जाते, ब्राह्मण का रूप करके हनुमान जी जाते हैं। और रामायण हमें बताता है कि जब ब्राह्मण का रूप हनुमान जी रख के जाते हैं ना, तो भगवान रामचंद्र जी उनसे बात ही नहीं करते। वो पूछते हैं कौन हो आप, बोलते हैं कुछ बोलते ही नहीं है, लक्ष्मण जी को हैंडल करने के लिए, तब तक जब तक वो अपने वानर स्वरूप में नहीं आ जाते। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये समझना है कि जब तक हमारे अंदर द्वंद रहेगा, छद्म रूप रहेगा। एक भक्त जो है वो हर जगह भक्त होता है, ऐसा नहीं कि इस प्रांगण में बैठा है तो भक्त की तरह आचरण करेगा और बाहर जाएगा तो वो दुष्ट की तरह आचरण करेगा। भक्त जो है वो सदैव भक्त की तरह आचरण करेगा। तो निर्मल मन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और शूर्पणखा का भाई विभीषण, वो भी भगवान के पास जाता है, वो भी अपने भाई से खिन्न है, और भगवान उसको मेघनाद बेइज्जत करते हैं, उसको तरह तरह से उलाहना देते हैं। और फिर विभीषण अपने कुछ तीन चार लोगों के साथ जब वो जाता है, तो सुग्रीव इत्यादि लोग जो है वो कहते हैं मारो इसको, ये रावण का भाई है और ये यहाँ पर गुप्तचरी करने आया है। कोई उसके पक्ष में बातें नहीं करता, लेकिन हनुमान जी उसके पक्ष में बात करते हैं। और भगवान उसको देखते हैं, कहते हैं आओ लंकेश, विभीषण को कहते हैं लंकेश पधारी है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लंकेश बोल दिया, अभी तो हम लंका में भी नहीं पहुँचे हैं, इसी पार पहुँचे हैं, जाने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, सीता का क्या होगा, हम लोग जीतेंगे हारेंगे, लेकिन भगवान ने लंकेश कह दिया। तो फिर पूछा गया कि भाई लंकेश क्यों कह रहे हैं आप, आपने तो जीता नहीं है, कल को रावण भी आ जाए
और कह दे कि मैं आपको शरणागत हो गया, तो क्या करेंगे आप? तो बोले कि उसको मैं अयोध्या का राजा बनाऊं। तो भगवान जो है वो शरणागत वत्सल है, छद्म रूप और डुप्लिसिटी जो हम कहते हैं नहीं कि दोहरा चेहरा, ये भगवान को कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। हम कितना भी प्रयास करें, हो सकता है बाह्य रूप से हम उन्नत भक्त होने का लक्षण प्रदर्शित करें, और कई बार हमें कल जैसे एक भागवतम कक्षा में मैं बात कर रहा था, तो किसी ने प्रश्न पूछा, किसने कहा कि प्रभु जी जो व्यासासन पर बैठ करके ज्ञान बाँचते हैं वो लोग उत्तम भक्त होते हैं ना, वो लोग शुद्ध भक्त होते हैं ना। मैंने बोला कि वो लोग शुद्ध भक्त नहीं होते जो बाँचते। वैसे तो भगवान की सेवा, कोई भी सेवा जो है छोटी बड़ी भी। मैंने उनको पूछा कि जो मंदिर में जब वो आते हैं तो सुरक्षा रक्षक जो होता है सिक्योरिटी गार्ड, उसको आप कितने बार हरे कृष्णा बोलते हैं? तो ले अरे उसको क्यों हरे कृष्णा बोलने की आवश्यकता है? बोला उसको ही, मैंने बोला कि उसको ही सबसे पहले हरे कृष्णा बोलने की आवश्यकता है, उसको ही प्रणाम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति का रक्षक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड में भले 12,000-14,000 नौकरी पा रहे हो सैलरी, लेकिन वो भगवान का द्वारपाल है, और यही द्वारपाल वैकुंठ में जो है आपको रोकते हैं। तो सबसे बड़ा काम आप तो चले जाते हो, लेकिन वो भगवान की सुरक्षा करता है, भगवान आपकी सुरक्षा करते हैं और वो भगवान की सुरक्षा करता है। तो भगवान की सेवा में कोई सेवा बड़ी छोटी नहीं है। जो व्यासासन पे बैठ के बाँच रहा है और जो अल्टर पे बैठ के आरती घुमा रहा है, हो सकता है उनके मन में कुछ और चल रहा हो, लेकिन कोई व्यक्ति जो प्रसादम होने के बाद जो बर्तन साफ कर रहा है ना, उसका चित्त जो है बहुत शुद्ध हो, और हो सकता है उसका चित्त शुद्ध ही हो। हम लोग आते हैं तो पहले क्या पूछते हैं? कभी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग क्या पूछते हैं? क्लास कौन दे रहा है, ये पूछते हैं ना, हाँ या ना? कभी पूछते हैं कि आज सब भक्त लोग जब चले जाएंगे तो बर्तन कौन मांजेगा, पूछते हैं क्या? बर्तन कौन मांजेगा? आज हम लोग जब सब यहाँ पे हरी बोल करके चले जाएंगे तो वाइंड अप कौन करेगा, झाड़ू कौन मारेगा? हाँ, जो स्पीकर है उसको मार दंडोत कर लेंगे, लेकिन कभी किचन में जाके बेचारा भट्टी में इतनी गर्मी में 42 डिग्री तापमान में जो बना रहा है प्रसाद, उसको भी जाके भी दंडोत मारते हैं हम लोग? मारते हैं कि प्रभु आप बहुत अच्छा किए, आपकी वजह से हमको थोड़ा सा प्रसाद मिल गया। तो भगवान की सेवा, ये चीज़ हमें सदैव याद रखनी है कि निर्मल मन बहुत महत्वपूर्ण। तो चाहे यहाँ पर कोई झाड़ू लगा रहा हो, चाहे यहाँ पर कोई प्रवचन दे रहा हो, या ऑल्टर में बैठा हो, या कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा हो, भगवान की नज़रों में सारी सेवाएँ एक समान है। जब जन्माष्टमी होती है तो एक ही व्यक्ति जो व्यासासन पर बैठता है, लेकिन उस सारे प्रयोजन में कितने हज़ारों लोग जो हैं वो कितनी सेवाएं करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, तो वो सेवाएं हमें नहीं दिखती, लेकिन परमात्मा जो है इन सेवाओं को नोट करता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं उनकी वाणी को दोहरा रहा हूँ, कहते हैं कि वो सेवा मुझे, हम सेवा तो करते हैं लेकिन वो सेवा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है जो हम अपने आप को तकलीफ़ दे करके भी करते हैं। अपने हमारे को जो अच्छा लगता है वो सेवा तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो सेवा हमें भगवान को ज़्यादा अच्छी लगती है जो हम अपने को तकलीफ़ दे करके, और भगवान उन सेवाओं को रिकग्नाइज करते हैं। भगवान ने नहीं कहा कि जे प्रवचनम देती ते भगवत धाम जायती, या जे ऑल्टर पे अगरबत्ती घुमाती ते जायती। जो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है, जिसका भाव यही है कि ये सेवा मैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ कि कृष्ण की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, मैं सेवा अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो कई बार हमारी सेवाएं जो हैं वो किसी को दिखती नहीं, लेकिन एक चीज़ जानकर के लिए, कोई हमारी सेवाओं को नोट करे या ना करे, परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं वो हमारी सेवाओं को नोट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। हम सेवाएँ करते हैं, फला प्रभु जी को दिखा देता हूँ मैं हाजिर हूँ, फला प्रभु जी आगे चलो सेवा में लग जाते हैं, हम देख करके वो करते हैं। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए, ये प्रभु जी नोट कर लें तो हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन भगवान अगर नोट कर लेंगे ना तो फिर हमें किसी को नोट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक भक्त थे, जब मैं शुरू में भक्ति में आया था, तो भक्त जो थे वो प्रभुपाद जी के यहाँ बगल में बैठते थे। तो मैं उनको पूछता था, प्रभु आप आगे नहीं बैठते, पीछे नहीं बैठते, बीच में नहीं बैठते, यहाँ पे क्यों बैठते हैं? तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु ऐसा है ना कि मैं आगे जाऊँ तो हो सकता है भगवान मुझे देखे या ना देखे, लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो हो सकता है दिन भर में एक बार जो है वो भगवान को देखते ही होंगे, प्रभुपाद जी को देखते होंगे, और मैं भी उनके बगल में रहता हूँ, उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से मेरे को भगवान नोट कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है
कि जब हम गुरु और आचार्यों के निर्देश पर सेवा में लगते हैं तो हो सकता है कोई नोट करना रहा कर रहा हो ना रहा, लेकिन भगवान हमारी सेवा को नोट करते हैं। और ये भक्ति जो है, भगवान कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा वगमम धर्मम सुसुखम करतुम अभ्य। तो जब व्यक्ति आत्मबोध देहात्मबोध से ऊपर होकर के आत्मबोध पर आता है, गुरु की निर्देश पर शरणागत होता है और भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो ये जो आनंदम बुद्धिवर्धनम है, ये आनंद की जो पराकाष्ठा है वो खत्म ही नहीं होती। सुसुखम करतुम अव्ययम, तो इसका कभी अंत ही नहीं। तो इस नित्य शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें इस अज्ञान से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं इस पर इसलिए व्याख्या नहीं किया कि ये सारी चीज़ें हम जानते ही हैं किस तरह से हम भौतिक चीज़ों में, तो हमें ये पुष्ट, हमें गुरु के प्रति समर्पण और उनके निर्देशों के प्रति समर्पण और इस समर्पण के भाव को लेकर के नित्य सेवा में लगना, चाहे कोई देखे या ना देखे। और जितनी भी हम सेवा करेंगे उतना ही आनंद का वर्धन होता जाएगा, क्योंकि भगवान जो है आनंद चिन्मय के आधार है। तो आनंद प्राप्त करना है तो अज्ञान, यहाँ पर इग्नोरेंस ये जो शब्द है, अज्ञान, अज्ञान ये जो शब्द है, इसका मूलभूत कारण है कि भगवान से पृथक होना। और जब भगवान से युक्त हो जाएंगे तो आनंद की जो है कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एन बी। तो जैसे मैं कह रहा था कि छल छिद्र, ये जो छल छिद्र कपट जो भगवान को नहीं अच्छा लगता, जो निर्मल मन अच्छा लगता है, उस कपट कपट को निकालने के लिए, हमारे अंदर जो गंदगी है उसको निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण संकीर्तन का जो है, हरे कृष्ण आंदोलन का प्रतिपादन किया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः जयंती ही सुमेध सा। तो चेतो दर्पण मार्जनम की प्रक्रिया ही है। तो हमारे मन में जो हम कुंठित हैं, कुंठित हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ द्वंद्व हैं या कुछ विषमता है हमारे चरित्र में, तो वो जाएगा ही जब हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो ये कुंठित मन, जब ये चित्त का मार्जन होगा नियमित रूप से, तो हमारे इस मन की जो कुंठाएं हैं वो निकलेंगी। और जब कुंठाएं जो है निकल जाएंगी तो हमारा चरित्र जो है शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध मन से जो है सारी चीज़ें जो है सुचारू रूप से दिखाई देगी। तो 9:02-3 बाकी हैं, तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बस समय थोड़ा सा पाबंदी है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न ले सकते हैं, कोई प्रश्न, किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है, कुछ टीका टिप्पणी करती है तो कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, प्रश्न अच्छा पूछे प्रश्न। अरे तो प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति में आने से पहले हम लोग, हमारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कई बार भक्ति में आने के बाद भी यथावत बनी रहती है, और फिर कई बार हम अपने जो भी हमने प्रण ले रखे हैं उसके प्रति, हो सकता है प्रण टूट जाए, ऐसी अवस्था में क्या होता है? कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेया प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रश्न। तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी पूर्व वृत्तियों के कारण हम गिर जाते हैं, लेकिन अगर गिर के उठ गए तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसे बच्चा, हम कभी क्या है, हम लोग शिशु हैं, जैसे भक्ति में चलने की शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चा जब सर्वप्रथम चलने की शुरुआत करता है तो गिरता है, और जब वो गिरता है तो लोग, हम क्या उसकी भर्त्सना करते हैं क्या, कैसा नालायक बच्चा है, गिर गया दुष्ट कहीं का, हम लोग उसका उत्साह वर्धन करते हैं, कोई बात नहीं बेटा चलो 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 आओ 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 आओ, और इस तरह से अगर वो प्रयास करता रहता, गिरता उठता है, फिर अंतोदयता वो भगवान के पास पहुंच जाता है। तो गिरना ये स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को कहा किसी भक्त ने कि फलाना व्यक्ति चला गया, फलाना व्यक्ति चला गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आश्चर्य ये नहीं है कि जब लोग भक्ति में आए और भक्ति छोड़ करके चले जाए, आश्चर्य है कि लोग भक्ति में आए और भक्ति में रुक जाए। तो भक्ति में रुकना ये आश्चर्यजनक है, तो आप लोग रुके, ये आश्चर्य की बात है।
तो यहाँ भागवतम क्लास में आना ये सिंपल बात है, यहाँ से उठ के कभी का चले गए होते, लेकिन रुके हैं ये चमत्कारी बात है। तो इस तरह से भक्त जो है भगवान भक्त का सदैव संरक्षण करते हैं। तो यद्यपि हमारे अंदर कोई त्रुटियाँ हैं, यद्यपि हमारे अंदर सबके अंदर कमियाँ हैं, कुछ लोग का जाहिर होता है, कुछ लोग का जाहिर नहीं होता, तो अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो छोड़ने की ग्लानी होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आगे मैं नहीं करूँगा और फिर भक्ति में लगे रहना चाहिए। मान लीजिए गिर भी गए, फिर से ग्लानी हो गई, तो भी कोई बात नहीं। ये नाम जब जो है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये नाम जब और भक्तों का संग, तो कभी ऐसे फॉल्ट हो गया तो आपके जो काउंसलर है मेंटर है उनको बता दीजिए, अपना हृदय शेयर कर दीजिए और फिर नाम जब करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए, भगवान की सेवा करिए, सब कुछ सही होता है। ठीक, यस प्रभु जी का प्रश्न, यस प्रभु पूछिए पूछिए। मतलब किससे करना पड़ता है? हाँ, तो इसका दो भाव है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ खुद का, कि मैं भी जो है ना इतने साल हो गए मेरे धोती का प्लेट बनाने ही नहीं आता ठीक से। तो भक्ति जो है ये इसमें निर्धारित नहीं है कि जो बहुत सुंदर धोती उसकी क्रीच, कई भक्त जो रहते हैं उनका क्रीच ना कभी वो ऐसे होता नहीं है, एकदम टाइट रहता है उनका, उनकी उत्तरी भी जो है अलग अलग उत्तरी रहती है। तो भक्ति जो है, वी आर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय ड्रेस कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ सेवाएं हैं उनकी कुछ आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए पुजारी का जो सेवा होती है उसमें कम से कम कलर छोड़ दीजिए, खाली धुआं होना, साफ़ सुथरा होना चाहिए, मतलब अगर दाग लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, दाग से कोई दिक्कत नहीं, साफ़ होना चाहिए। अगर आपके पास साफ धोती है और उसमें दाग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो साफ़ सुथरी है तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि प्रचारक को फर्स्ट यू ड्रेस देन यू प्रीच, तो भी कहते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि अगर हमारे पास व्यवस्था है तो ठीक है, अगर नहीं भी व्यवस्था है, अगर स्वच्छ है तो अल्टर में जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर साफ साफ धोती है तो। ठीक है, तो रही बात, इसमें कोई कपट नहीं है प्रभु, ये तो सरलता है, ये तो आपका बड़प्पन है, सरलता है इसमें। ठीक है, ये कपट नहीं है, संतुष्ट है, संतुष्ट है प्रभु। हरे कृष्ण, और किसी का कोई प्रश्न, आखिरी प्रश्न? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग यहीं पे सत्य को समाप्त करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।